योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा तब भी मुझे मारे, वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के अगले दिन। फिर दूसरे जब लड़के को मारा उन्होंने बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई, मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जो जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा है वो अधमरी हालत में उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रोली में भी रखा था। एक रात जो वहां पे दो चार लड़के हैं उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है, तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना मेरे 10 लड़के आएंगे फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सारा लेना पड़ेगा और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए, अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आंख पे भी है, उन्होंने मुझे थप्पड़ उप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना है, मैंने कहा ठीक है सर मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे रात जाने से और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पे आ गई थी। इसमें कोई और लड़के शामिल हैं? नहीं सर मेरे साथ कोई नहीं, मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी। जो चार लड़के हैं एक लड़के को तो उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने मार दिया और जो दूसरा है वो अभी भी उनकी कस्टडी में है, अब उनको मार रहा नहीं है, उनको पाइपों से मारा उन्होंने।